हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसटीटी 2019 का जो रिजल्ट है बहुत पहले ही प्रकाशित हो गया था और उसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। और इसी के बीच दोस्तों 3 या 4 केस हो चुका है रिजल्ट के अगेंस्ट में। और जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो विधि अपनाया गया था, जो नॉर्मलाइजेशन लगाया उसके बाद रिस्पॉन्स शीट जो है किसी को नहीं मिला था, एंसर की तक जो दोस्तों जो है नहीं मिला पाए थे। तो इन सब सारे मुद्दों को लेकर केस ऑलरेडी हो चुका है, 3 से 4 केस ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मैथ का जो केस है वो डबल केस है, उसके बाद वो डबल केस उसको नया केस जो किया गया है वो अभय रंजन के द्वारा जितना भी सब विषय है उस सब के लिए किया गया है। तो दोस्तों जो रिजल्ट को जो है समझिए कि लगभग ये तय है कि किसी न किसी नतीजे पर ले जाया जाएगा। जैसे कि कैंसिल हो सकता है रिजल्ट, हो सकता है रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी हो, ठीक है दोस्तों, या ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाए। तो ये सारे चीज़ जो है हो सकता है फ्यूचर में। और दोस्तों जो भी क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाइड अभ्यर्थी है उनको इन केस में लगभग सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट आया है बिल्कुल फेयर रिजल्ट नहीं है, आपको पता ही होगा। क्योंकि किसी को ना ही नॉर्मलाइजेशन का कौन सा विधि अपनाया गया वो पता है, ना ही उनको अपना ओरिजिनल मार्क्स पता है, ना ही वो रिस्पॉन्स शीट देखे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर उनको सहयोग करना चाहिए ताकि जो रिजल्ट हो फिर से रिवाइज हो सके, या फेयर रिजल्ट जो है आपका आ सके, या नया कोई नॉर्मलाइजेशन की विधि लगा के जो फेयर नॉर्मलाइजेशन की विधि है उसको लगा के दोस्तों रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों जो केस हुआ है उसका कुछ दिन में अपडेट आ जाएगा, जो प्योर केस नंबर के साथ आ जाएगा। अभी 2-3 केस है जिनका केस नंबर मिला है, तो कुछ दिन में दोस्तों आप वेट कीजिए, फिर से वो अपडेट हो जाएगा। तो उसका डिटेल जो दोस्तों हम चैनल पर डालेंगे आप देख पाएंगे।